हरे कृष्ण। मैं आप सभी भक्तों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोग सेवा का मौका दे रहे हैं। वास्तव में भक्ति जीवन की शुरुआत होती है भक्त संघ से। हम लोग बोलते हैं आदौ श्रद्धा, पर आचार्य लोग बताते हैं कि श्रद्धा आने के पहले भी महत कृपा जरूरी है, भक्तों की कृपा जरूरी है। तो वास्तव में भक्ति शुरू होती है भक्तों की कृपा से, और भक्ति का मतलब ही है भक्त संग। भक्ति चलती भी है भक्तों की कृपा से, और भक्ति की सिद्धि भी है भक्त संग। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि भय। भक्ति की सिद्धि भी है साधु संग। तो कोई भी स्तर पे कोई भी भक्त हो, वो साधु संग से हटकर भक्ति ना तो शुरू कर सकता है, ना उधर आगे बढ़ सकता है, ना सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो मैं आप लोगों को बहुत आभारी हूँ, आप लोग आशीर्वाद कर रहे हैं कि मुझे साधु संग मिल रहा है। जिस तरह अलग अलग समय पर भगवान ने भी अपनी लीला से दिखाया है, कृष्ण अर्जुन संवाद एक बात है, लेकिन फिर रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु, और हरिदास ठाकुर, वहां चैतन्य महाप्रभु शक्ति देते हैं अपने भक्तों को बोलने के लिए। तो उसी तरह आप सब महान भक्त मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपकी सेवा में कुछ बोल सकूं। हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं, वैष्णव करुणा का क्या अर्थ है, हमारे जीवन में इसकी क्या सार्थकता है। कल हमने चर्चा की कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और उनके सारे अवतार करुणावश ही इस दुनिया में आते हैं, और अलग अलग विस्तार के रूप से, अलग अलग पार्षदों के रूप से, अलग अलग माध्यम के रूप से वो लोग हमारे जीवन में अपनी करुणा को देते हैं। जैसे अभी हम बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे, गुरु महाराज गा रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीवों पे दया करने के लिए ही स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। वो अपने पार्षदों के साथ, अपने धाम के साथ सबको लेकर के अवतार लेते हैं। तो भगवान का ये बहुत ही प्रिय कार्य है कि जीवात्माओं के ऊपर दया करना, जीवात्माओं के ऊपर करुणा करना। चैतन्य भागवत में भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को पूछते हैं कि ये पतित आत्माओं का उद्धार कैसे होगा, ये जीवात्मा कैसे मुझ तक वापिस आ पाएंगे। ऐ मत विष्णु माया मोहित संसार, देखी भक्त सब दुख भावे न अपार। महाप्रभु, भक्त लोग एक्चुअली बोल रहे हैं, महाप्रभु के अवतार से पहले भक्त लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये विष्णु माया से जो मोहित, माया में मोहित जो पूरा संसार है, डूबा हुआ है, ये विष्णु संसार कैसे भक्त बनेगा, ये सोच करके, देखी भक्त सब दुख भावे न अपार, सभी भक्त वो दुखी रहते हैं ये सोच के। तो ये उनकी हमेशा एक टेंशन रहती है कि कैसे भक्ति जीवन में पतित जीवात्माएं आगे बढ़ेंगी। के मने ए जीव सब पाई बे उद्धार, विषय सुखे ते सब मजिले संसार। वो लोग सोच रहे हैं कि विषय में वो सुख भोग रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन कैसे ऐसी जीवात्माओं का उद्धार होगा। तो ये हमेशा भक्तों की, भगवान की चिंता रहती है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग तब तक उस कृपा को, उस करुणा को स्वीकार नहीं कर पाएंगे जब तक उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे, जब तक कि हमारे अंदर वो इच्छा नहीं होगी। गॉड हेल्प दोज़ हु हेल्प देमसेल्स। जब तक हमारे अंदर वो इच्छा नहीं होगी वो करुणा को स्वीकार करने की, अपनाने की, तब तक कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक कहानी बताते थे कि एक आदमी एक बार एक कुएं में गिर गया। अब वो कुएं में गिर गया तो बहुत लोग उसकी चीख सुन रहे थे, उसको बचाने के लिए आए। तो एक व्यक्ति रस्सी डालता है, बहुत प्रयत्न करके रस्सी ढूंढ के लाता है, पेड़ से बांधता है, डालता है, और उसको आवाज लगाता है कि अरे पकड़िए, हमने आपके लिए व्यवस्था की है, आप बाहर आइए। तो वो व्यक्ति नीचे से बोलता है कि आप मुझे रस्सी पकड़ने में मदद कर सकते हैं। तो सब लोग हंसने लगे कि ये कितना बड़ा आलसी व्यक्ति है,
इसको गिरने के बाद भी हम लोगों ने इतनी मदद की, रस्सी बांध के दी, फिर भी इसको रस्सी पकड़ने के लिए भी मदद मांग रहा है। मतलब उसके लिए किसी को कुएं में जाना पड़ेगा, उसका हाथ पकड़ के रस्सी पकड़वाना पड़ेगा, फिर वो ऊपर आएगा। तो उस तरीके की जो मेंटेलिटी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं ऐसे लोगों को ईश्वर भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को पहले अपने ऊपर करुणा दिखानी पड़ेगी। देखिए, तीन तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के सिद्धांत होते हैं। एक सिद्धांत है बंदर और बंदर के बच्चे का। वो सिद्धांत क्या है कि जैसे बंदर का बच्चा अपने बल पर माँ को पकड़ के जाता है, अगर माँ एक डाली से दूसरी डाली पे भी छलांग लगाती है तो माँ बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा माँ को पकड़ता है। वो सिद्धांत है मायावादियों का, वो सिद्धांत है निर्विशेषवादियों का, वो सिद्धांत है ज्ञानियों का। वो सिद्धांत इसलिए है क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके बल पर वो अपने जीवन का उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करेंगे, वो अपने बल पर मुक्ति प्राप्त करेंगे, वो अपने बल पर इस भौतिक संसार से बाहर निकले। तो वो बंदर और बंदर के बच्चे की जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है, क्योंकि इस संसार से छूटना इतना आसान नहीं। देखिए, भक्त लोगों की तुलना में ज्ञानी लोग, योगी लोग कितनी तपस्या करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना वो लोग अपना परहेज रखते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारी तो एकादशी भी एकादशी फीस्ट होती है, एकादशी पिज्जा बनता है, क्या क्या तो भी बनता है, लेकिन वो लोग इतना कुछ बल अपनी अपनी साधना में लगाते हैं, फिर भी भगवान खुश नहीं होते उनसे, क्योंकि भगवान को पता है ये जो कुछ कर रहा है अपने लिए कर रहा है, ये मेरे लिए नहीं कर रहा है। भक्त का पूरा इस उनका पूरा जो क्रिया होती है वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। दूसरे तरीके की थ्योरी होती है बिल्ली और बिल्ली के बच्चे की। बिल्ली के बच्चे खुद कुछ नहीं करता, उसकी मम्मी उसको उठा के ले जाती है। ये उदाहरण भक्तों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इस संदर्भ में इसको तुलना कर रहे हैं जो तथाकथित गुरु हैं उन लोगों के साथ। वो लोग अपने अनुयायियों को बोलते हैं कि आप लोग भले कुछ करें ना करें, बस हमारे सत्संग में आते रहिए, बस हमें चंदा देते रहिए, पानी पूरी खाइए, हरी चटनी खाइए, आपका सब अच्छा होगा। तो इस तरह के जो तथाकथित गुरु होते हैं, जो लोगों को चीट कर रहे हैं, जो लोगों को अध्यात्म के नाम पे पागल बना रहे हैं, वैसे लोगों की थ्योरी क्या है बिल्ली और बिल्ली के बच्चे की, वो भी हम स्वीकार नहीं करते। हमारा सिद्धांत है होल्ड एंड पुल, हम अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, गुरु अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, दोनों को पकड़ के ऊपर जाना है। तो उस तरीके की जो थ्योरी है वो भक्ति जीवन में काम करती है। गुरु, वैष्णव परंपरा, साधु लोग, भगवान, सब अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, अभी हमको अपना हाथ आगे बढ़ा करके उनका हाथ पकड़ना होगा। तो इस तरीके का सिद्धांत भक्ति जीवन में हमको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हमको करुणा करनी है तो सबसे पहले अपने ऊपर करुणा करनी है। बंगाली में एक कहावत है, चाचा आपन प्राण बचा, चाचा जी पहले अपने प्राण बचाइए, दूसरों की चिंता मत कीजिए। इवन जब हम एरोप्लेन में जाते हैं तो पहले वो घोषणा करती है एयर होस्टेस, वो बोलती है कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो पहले अपना मास्क लगाइए, अगर बगल में बच्चा है तो भी पहले अपना मास्क लगाइए, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट ये हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो आप बच्चे की भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर करुणा दिखानी चाहिए। तो कोई पूछ सकता है कि क्या ये स्वार्थी भावना है, क्या ये भी स्वार्थ परायणता है कि हम लोग अपने बारे में सोचें? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए अगर हमको कोई डूबते हुए व्यक्ति को बचाना है और हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि हम उसको पकड़ के उसका बाहर ढो करके बाहर निकाल पाए, तो हम उसको बचाने जाएंगे, पता लगे हम भी डूब जाएंगे। तो ऐसा होता है, एक बार प्रभुपाद को कुछ शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद हम लोग क्या क्लब में प्रचार करने जाएं? तो प्रभुपाद ने बोला, हाँ जा सकते हैं, लेकिन वापस आ जाना, क्योंकि वहां जाके तुम लोग हो सकता है माया के प्रति आकर्षित हो जाए। तो हम लोगों को पहले उतनी शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए कि हम लोग दूसरे के लिए कोई काम, कोई मदद कर सके। अच्छा, वो कृपा हम अपने ऊपर कैसे दिखा सकते हैं? वो कृपा हम दिखा सकते हैं अपनी रोज की साधना से। हमारी साधना, हमारी जप, हमारी श्रवण करने की आसक्ति, हमारी प्रभुपाद की बुक्स के प्रति रुचि, ये सारी चीजें बताती हैं कि हम अपने ऊपर कितना करुणा करना चाहते हैं। विलिंगनेस टू प्रोटेक्ट अवर साधना इज फॉर्म ऑफ कंपैशन टूवर्ड अवर सेल्स।
हमारी वो जागरूकता, हमारी इच्छा कि हम अपनी साधना को अच्छा करें, उसकी रक्षा करें, उसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है उसके बारे में सोचें, वही हमारे ऊपर, खुद के ऊपर करुणा दिखाना होगा। वास्तव में हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग भक्तों से मिलते हैं तो हमारे चर्चा का विषय क्या होता है, इससे हम समझ सकते हैं हमारी चेतना का क्या स्तर है। हम लोग चर्चा करते हैं तो हम ये चर्चा करते हैं क्या कि प्रसाद में नमक कम है कि इसमें खटाई ज्यादा है, हमारी चर्चा का विषय क्या होता है। हमारी चर्चा का विषय अगर ये हो कि हम लोग अपनी साधना कैसे अच्छी करें, हम लोग प्रचार कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं, हम लोग आपस में भक्तों के बीच में संबंध कैसे मधुर करें, तो हमारी चेतना का स्तर बहुत अच्छा है। और यदि हम हमेशा दो लोग मिलके तीसरे की बुराई करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर उतना अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर करुणा दिखानी चाहिए, अपनी साधना को अच्छा करके। और दूसरा, उसी के साथ पैरेलली हम लोगों को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम भक्ति में आते हैं हमको लगता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो शरीर के प्रति पूरा ध्यान छोड़ देते हैं, और फिर जब शरीर हमको सिग्नल देना शुरू करता है तो फिर हम पूरी तरीके से आत्मा को भूल जाते हैं। तो दोनों ही एक्सट्रीम खराब है। इसलिए हम लोगों को अपनी साधना और अपनी हेल्थ दोनों का ध्यान रखना चाहिए, ये अपने ऊपर करुणा दिखाना है। और जब हम इस तरह करेंगे तो हम लोग भक्ति में प्रगाढ़ होते जाएंगे, और वो प्रगाढ़ भक्ति से हम लोग जब प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे, तो उसका एक अलग ही इफेक्ट दूसरों के ऊपर, वो जो प्रभाव होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी 1972 में, प्रभुपाद जी ने मूवमेंट शुरू किया 1966 में, और 6 साल बाद ही, 6 साल जब उनके प्रचार को हो गए, कुछ हजार लोग उनसे जुड़ गए, कुछ मंदिर उन्होंने खोल लिए, तभी प्रभुपाद अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। वो बोलते हैं, नाउ आई शैल वॉन्ट दैट वी शैल कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग अवर डिवोटीज कृष्णा कॉन्शियस एंड अवर सेल्स बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, नॉट बी सो मच कंसर्न विद एक्सपेंडिंग अवर सेल्स वाइडली बट विदाउट एनी स्पिरिचुअल कंटेंट, just like boiling the milk it becomes thicker and sweeter, now do like that boil the milk। तो प्रभुपाद जी अपने पत्र में लिखते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अब हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए कैसे हमारे भक्त कृष्ण भावना भावित हों, और हम लोग जब तक कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, हम लोग जब प्रचार करने जाएंगे तो हमारे अंदर कोई आध्यात्मिक बल नहीं रहेगा, और वो आध्यात्मिक बल ना होने के कारण हम लोग क्या प्रचार कर पाएंगे। इसलिए हमको दूध को जैसे हम गर्म करके गाढ़ा करते हैं, वो गाढ़ा होता है और मीठा भी होता है, तो उस तरह अब हमको दूध को गर्म करना चाहिए, बॉइलिंग द मिल्क। तो ये प्रभुपाद जी कब बोल रहे थे, जब इस्कॉन शुरू हुए 6 साल हुए थे, अभी इस्कॉन शुरू हुए 50 साल से ज्यादा हो गए। तो हम लोगों को कितना ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी भक्ति के ऊपर, जितना हमारा भक्ति में फेथ होगा, जितना हमारा भक्ति में विश्वास होगा, जितनी प्रगाढ़ता हमारी साधना में होगी, उतना ही हमको अधिकार मिलेगा सेवा करने का। हम लोग सेवा में तभी रुचि रख पाएंगे जो हमारी भक्ति प्रगाढ़ होगी। हम लोग कभी भी ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए कि हमारी साधना वगैरह सब साइड में हो जाए। प्रभु जी भक्ति, प्रभु जी प्रचार तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन प्रभु जी को जब करते हो तो कभी देखा ही नहीं, वो मत पूछो, बहुत बिजी रहते हैं प्रभु जी, इतना बिजी रहते हैं कि अपना ही जप नहीं कर पाते। तो इस तरीके की प्रचार से हम लोग उसी तरीके के लोग लेके आएंगे जिस तरह हम अपनी भक्ति कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग जब साधन में पक्के नहीं है, हमारे प्रचार से ठीक उसी तरह के लोग आएंगे जो हमको बाद में परेशान करेंगे, प्रभु जी जप नहीं होता, प्रभु जी भक्ति नहीं होती, और हम लोग फिर जिंदगी भर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रह जाएंगे। हम लोग जिस तरह के हैं उसी तरह के लोगों को आकृष्ट करेंगे। देखिए, जब गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ नॉन कॉपरेशन किया, बाद में कांग्रेस में एक नॉन कॉपरेशन हो गया, गांधी जी की बात कोई नहीं सुनना चाहता। तो जिस तरह हमारा मूड होता है उसी तरह आदमी हमको फॉलो करते। प्रभुपाद ने जिस तरह अपने गुरु के प्रति समर्पण दिखाया, उनके शिष्य उनको उसी तरह मिले जिन्होंने उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागति दिखाई। तो हम लोग जिस तरह रहेंगे हम उसी तरह के लोगों को अपने प्रति आकृष्ट करेंगे। इसलिए हम लोगों को अपनी आध्यात्मिक बल पर बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए। देखिए, जब रामचंद्र जी ने वानर सेना को भेजा था सीता जी की खोज करने के लिए, तो सभी वानर इकट्ठे हो गए थे समुद्र के तट पर दक्षिण भारत में रामेश्वरम के आसपास, और वो लोग प्रयास कर रहे थे कि कैसे हम लोग लंका में जाएंगे, समुद्र के उस पार जाएंगे। संपाति ने निर्देश दे दिया था कि रावण लंका लेके गया सीता को।
तो ऐसा नहीं है कि बंदरों ने छलांग लगाना शुरू कर दी कि अरे चलो देखता हूं कितने दूर जाऊंगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो पानी में गिर जाएंगे। लेकिन बंदरों ने बताया कि मैं 10 योजन कूद सकता हूं, मैं 20 योजन कूद सकता हूं, मैं 15 योजन कूद सकता हूं। और फिर बाद में जामवंत ने हनुमान जी को इंस्पायर किया, हनुमान जी कूद के गए। तो डींगे हाँकने से हमारी भक्ति नहीं होती, अरे मैं इतना कर लूंगा उतना कर लूंगा, लेकिन जितना हमारा बल है उतना ही हम दूसरों को दे पाएंगे। तो कंपैशन डजंट मीन कॉम्प्रोमाइज। ऐसा नहीं है कि अरे हम करुणा के नाम पे, प्रचार के नाम पे अपनी भक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। कई बार हम लोग प्रचार करते हैं, रात में बहुत लेट हो जाता है, फिर अगले दिन हमारा साधन भजन सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो या तो हमारे अंदर प्रभुपाद जी जैसा आध्यात्मिक बल हो कि प्रभुपाद जी पूरा दिन प्रचार करके रात भर किताबें लिख के भी अगले दिन फिर सुबह उठ के अपना किताब लिखते, प्रचार करते, मॉर्निंग वॉक पे जाते, शिष्यों को समय देते, भागवतम क्लास देते, तो उस तरह हमारा बल हो। क्योंकि प्रभुपाद ये साधना के ऊपर बहुत बल देते थे। एक बार प्रभुपाद जापान में गए भूरिजन पे, उन्हें वहां मंदिर खुला था और वहां पर कोई सुबह का कार्यक्रम नहीं होता था, कोई मंगला आरती नहीं होती थी, कोई जप नहीं होता था, सब भक्त अपने अपने हिसाब से उठते थे, अपने अपने हिसाब से सेवा करते थे। तो प्रभुपाद इतना नाराज हो गए, प्रभुपाद भूरिजन प्रभु को बोलते हैं, तुम किसके शिष्य हो, मेरे तो शिष्य नहीं हो कम से कम, किसके शिष्य हो, क्योंकि अगर मेरे शिष्य होते तो तुम इन चीजों के ऊपर ध्यान देते। तो हमारे जो करुणा है दूसरों के ऊपर, करुणा का मतलब है हम उनकी दिक्कतें समझे और उनको भक्ति में आगे बढ़ाए। खुद के ऊपर करुणा का मतलब है हम अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को समझें और उनके ऊपर काम करें। ये अपने ऊपर करुणा दिखाना होगा। अपने ऊपर स्ट्रिक्ट रहना अपने ऊपर करुणा है। हमको अपने ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है, दूसरों के ऊपर लीनियंट रहना है, दूसरों के ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट करना है। हम उल्टा करते हैं, दूसरों के ऊपर स्ट्रिक्ट रहते हैं, खुद के ऊपर लीनियंट रहते हैं। हम लोग अपने लिए तो बहुत कुछ, अरे प्रभु जी मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती ना, इसलिए एकादशी में 5 टाइम खाता हूँ, और दूसरे को बोलते नहीं, एकादशी निर्जल करना चाहिए, गुरु माँ ने बोला निर्जल करना चाहिए। तो प्रवचन में हम लोग स्ट्रिक्टनेस रखते हैं लेकिन अपने खुद के आचरण में उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते, जबकि उल्टा होना चाहिए। दूसरों के लिए हमको एडजस्ट करना चाहिए और खुद के लिए हमको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे हम डीलैंड में जब सेवा करते थे तो सुबह 6 बजे से सेवा होती थी और वहां सूर्यास्त होते होते 8:30-9 रात में बज जाते थे। तो फील्ड में जब सेवा करते थे कई बार बहुत धूप भी, फ्लोरिडा में धूप भी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो कई बार बहुत मुश्किल होता था वहां सेवा करना। तो गुरु महाराज वहां हमारे साथ खड़े रहते थे सुबह से, और जैसे ही 11-12 बजते थे, धूप होती थी, गुरु महाराज भक्तों को बोलते थे तुम थोड़ा आराम करके आओ, कभी खुद लस्सी बना के लेके आते थे, लस्सी पिलाते थे। तो अभी ये सोचने लायक बात है कि गुरु महाराज हमसे पहले उठते थे 1-1:30 बजे, हम लोग उठते थे 4-5 बजे, और उनकी उम्र है 75 साल, हमारी हमारी उम्र है 25 साल। तो किसको ज्यादा रेस्ट की जरूरत है और किसको लस्सी पिलाना चाहिए, हमको उनको बना के रेस्ट कराना चाहिए, उनको लस्सी पिलाना चाहिए, लेकिन उल्टा है। वो हमको बोलते हैं आप रेस्ट करके, और वो खुद खड़े रहते थे, वो दूसरी टीम के साथ खड़े रहते थे वहां पर, पूरे टाइम खड़े रहते थे, और हम लोग को बोलते थे आप रेस्ट करके। तो उस तरीके से हमको आचरण सीखना चाहिए, खुद के लिए स्ट्रिक्ट रहना हमारे ऊपर करुणा है, और दूसरे के लिए हमको लीनियंट रहना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरों के साथ सद्भावना रखेंगे, जब तक हम लोग दूसरों के साथ सद्भावना रखेंगे तब तक हम लोग उनके ऊपर करुणा कर पाएंगे, और ये तभी संभव है जब अपनी भक्ति में उस फेज से गुजरे हों। मान लीजिए हम लोग सब भक्तों के साथ बैठ के जप नहीं करते, हम लोग सुबह 4 बजे नहीं उठते, तो जब हम दूसरे को बोलेंगे 4 बजे उठने के लिए और वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे उसकी प्रॉब्लम। जब तक हम उस फेज से गुजरे नहीं है हम उसका दर्द, उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे। तो प्रचार में ये जरूरी है कि हम लोग अपनी साधना, अपना भजन, अपनी जो निजी भक्ति है उसके प्रति बहुत दृढ़ रहे, क्योंकि जब हमको एक्सपीरियंस होगा हम दूसरे की बात समझ पाएंगे। तो उसी तरीके से हम लोगों को समझना पड़ेगा कि शास्त्रों में इस तरह उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे विदुर जब मैत्री ऋषि से पूछ रहे हैं कि आप मुझे ध्रुव के बारे में बताइए, तो जब मैत्री ऋषि उनको ध्रुव के बारे में बताते हैं तो विदुर को बहुत उत्सुकता होती है, बहुत प्रश्न भी पूछते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि विदुर उस स्थिति से गुजरे हैं। ध्रुव महाराज को उनके पिता ने कुछ बोला नहीं, जब उनकी माता ने उनका तिरस्कार किया, सुरुचि ने उनको बाहर निकाला और चुपचाप रहे उत्तान पर, कुछ बोले नहीं उनके समर्थन, वो सुन के ध्रुव महाराज को बहुत कष्ट लगा।
विदुर के साथ ठीक वैसे ही हुआ, दुर्योधन ने उनका तिरस्कार किया, उनको बाहर निकाला और धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं बोला, शांत रहे, क्योंकि वो उस चीज से गुजर के आए हैं। ध्रुव महाराज की सिंपथी, ध्रुव महाराज की कंडीशन के लिए उनके अंदर सिंपथी थी, वो समझ पाए कि ध्रुव महाराज किस स्थिति से गुजरे होंगे। तो हम लोग लोगों को तिरस्कार कर सकते हैं, बहुत आसान है, अरे तुम भक्ति में सीरियस नहीं हो, तुम ऐसे ही हो, तुमको इतने साल से प्रचार कर रहा हूं, वो बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब तक हम उस सिचुएशन से गुजरेंगे नहीं तब तक वो समझना बहुत कठिन है। जब श्रीरंगम में रामानुचार्य कहीं बाहर जा रहे थे तो सब भक्त लोग रंगनाथ को प्रार्थना करते हैं, वो बोलते हैं कि रंगनाथ आप 3 गुणों से ऊपर हैं, तो आप हमारी दिक्कतों को कैसे समझ पाएंगे? जो 3 गुणों से ऊपर है वो 3 गुण में फंसे हुए आदमी की दिक्कत कैसे समझ पाएंगे? लेकिन रामानुचार्य जो है हमारे गुरुदेव, हमारे बीच में रहते हैं, वो सारी स्थिति समझते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमारी स्थिति समझते हैं, आप उनको हमसे दूर मत कीजिए। तो ये भक्त की करुणा होती है कि वो खुद अपने बल पर दूसरों को भक्ति तभी दे पाता है क्योंकि उसने उस तरह का जीवन जिया है। प्रभुपाद जब प्रवचन देते थे, हम लोग भी बोलते हैं अपने प्रवचन में कि गाय की हत्या मत करो, भ्रूण हत्या मत करो, इस तरह हम लोग भी अपने प्रवचन में बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद कई बार जब प्रवचन देते थे एबॉर्शन के ऊपर, काउ स्लॉटर के ऊपर, प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ जाते थे, उस तरह करुणा वो गाय के लिए महसूस करते थे, इसलिए जब वो बोलते थे उस बात का प्रभाव पड़ता था। तो हम जितना कृष्ण को अपने अंदर धारण करेंगे उतना ही दूसरों को कृष्ण दे पाएंगे। द मोर वी हैव कृष्ण वी कैन गिव कृष्ण, क्योंकि ये जो उत्साह है प्रचार करने का वो कृष्ण से आता है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, ये जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार है कृष्ण शक्ति के बिना नहीं होता। तो अगर हम अपनी साधना को प्रचार के लिए छोड़ेंगे, या प्रचार को सेवाओं के लिए छोड़ेंगे, या अपनी हेल्थ को सेवाओं के लिए छोड़ेंगे, कुछ भी इम्बैलेंस करेंगे, तो भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, कॉन्ट्रैक्ट में सब कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। गुरु महाराज दीक्षा के समय बोलते थे ये कॉन्ट्रैक्ट है, गुरु आपको कुछ निर्देश दे रहा है, 16 माला का जप करना है, 4 नियम पालन करना है, इस्कॉन में विनम्र भाव से सेवा करना है, प्रभुपाद की शेल्टर कभी छोड़ के जाना नहीं, ये गुरु आपको निर्देश दे रहा है। और आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है गुरु आपके सारे कर्म बंधन से आपको छुड़ा के भगवत धाम लेके जाएंगे। अब दोनों की एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु महाराज बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक पार्टी कंडीशन ब्रेक कर देती है तो दूसरी पार्टी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती, फिर उसको जरूरी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट को फिर फॉलो करे, तो दोनों पार्टी को फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को करुणा दिखा रहे हैं, तो कम से कम हम लोग अपने भक्ति में उतनी दृढ़ता से पालन करें। जैसे हम लोग जब पुणे में प्रचार करते थे तो अलग अलग हॉस्टल में जाते थे, बच्चों को साथ बैठ के जप करते थे, उनके साथ प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते थे। हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उतने कनेक्टेड नहीं थे, धीरे धीरे जाके हम लोग इंस्पायर करते थे। तो एक बार एक भक्त गया, वो नया नहीं था, उसको नया नया प्रचार में उतारा था, वो गया। अब वो जब हॉस्टल में गया तो वो कुछ बच्चे वहां बैठ के मूवी देख रहे, तो वो भी बैठ के उनके साथ 2 घंटा मूवी देख के आए। तो अभी घर करने गया था प्रचार, वो खुद प्रचार होके आ गए। तो जब हमारे अंदर उतनी भक्ति शक्ति नहीं होती तो हम दूसरे के ऊपर करुणा तो दूसरी की बात है, अपने खुद की भक्ति को भी डुबा बैठते। तो हम लोग सोच सकते हैं कि जब हमारे प्रचार से कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कोई भक्त नहीं बन रहा, उसका कारण क्या है? उसके कारण 2 ही है, या तो भगवान हमको विनम्र बनाना चाह रहे हैं। अगर हमारे प्रचार से कोई फल नहीं आ रहा है, पहला कारण है या तो भगवान हमको विनम्र बनाना चाह रहे हैं। हम साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी प्रचार का रिजल्ट नहीं आ रहा है, भगवान हमको विनम्र बनाना चाह रहे। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये है कि हमारे अंदर उतनी कृष्ण शक्ति नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारा साधन भजन उतना शुद्ध नहीं है कि जिसके द्वारा हम दूसरों को वो अज्ञात सुकृति दे पाए, वो भक्ति सुकृति दे पाए, जिसके कारण वो भक्त बने। देखिए जयानंद प्रभु बताते हैं वो भक्त कैसे बने, सॉरी जयपताका महाराज बताते हैं वो भक्त कैसे बने। जयानंद प्रभु एक रथ बना रहे थे जगन्नाथ का, जयपताका महाराज वहां से गुजर रहे थे। वो भक्त उस समय पे भक्त नहीं थे, मतलब वो इस तरह बाह्य रूप से भक्त नहीं थे। तो जयानंद प्रभु बोलते हैं कि क्या आप एक कील पकड़ सकते हैं? तो उन्होंने कील पकड़ ली, जयानंद प्रभु ने कील ठोकी, वो कील अंदर चली गई। तो जयानंद प्रभु बोलते, अरे वाह तुमने कितनी अच्छी तरीके से कील पकड़ा। अभी कील पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, बोले नहीं तुमने कितनी अच्छी तरीके से कील पकड़ी।
तो एक और कील पकड़ो भाई, ऐसे करके उनको दिन भर सेवा में लगाए। और फिर इतना वो इंप्रेस्ड हो गए जयानंद प्रभु से कि उन्होंने मंदिर ज्वाइन कर लिया। तो उस तरह भक्ति सुकृति हम तभी दे पाएंगे जब हमारा उतना विश्वास भक्ति के पथ पर होगा, तभी हम लोग दूसरों को उस तरीके की भक्ति दे पाएंगे। अगर हमें नाम यश की प्रत्याशा है, अगर हमारे अंदर कोई और प्रत्याशा है और हम उसके साथ प्रचार करेंगे तो भीड़ तो हमको मिल जाएगी लेकिन भक्त नहीं बने मिलेंगे। भक्त तभी मिलेंगे जब हमारे अंदर वो भक्ति शक्ति होगी। प्रभुपाद जो अपने भक्तों को बोलते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, डबल करो डबल करो, तो कई बार भक्त सोचते थे कि कैसे भी करो डबल करो। तो वो क्या करते थे, जो एयरपोर्ट पे लिफ्ट लगी है वो लिफ्ट में चले जाते थे, और जैसे लोग अपनी फ्लाइट पकड़ने वैसे ही एयरपोर्ट पे जल्दी में रहते हैं। तो जब वो अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए लिफ्ट में अंदर घुसते थे और अपने टर्मिनल में पहुंच के बाहर निकलने की बारी आती थी तो ये भक्त ऐसे खड़े हो जाता था लिफ्ट के दरवाजे में, किताब खरीदो या फ्लाइट छोड़ो, एक काम करो, या तो किताब खरीदो या फ्लाइट छोड़ो। अब वो बंदे को झकमरा की किताब खरीदनी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते, ऐसे करके एयरपोर्ट पे पुस्तक वितरण करते थे। तो जब प्रभुपाद को ये बात पता पड़ी, प्रभुपाद ने सब बंद कर दिया। प्रभुपाद बोले इस तरह मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। देखिए हम लोग कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृष्ण को हम लोग देने के प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे प्रचार से कोई कृष्ण के प्रति विद्वेषी हो रहा है तो वो हमारे प्रचार का क्या फायदा है। कृष्ण है सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले, और हम लोग कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं लोग रिपल्सिव हो रहे हैं, आकर्षित होने की बजाय विद्वेषी हो रहे हैं। इसका मतलब हम कृष्ण को नहीं लेके चल रहे हैं कम से कम, क्योंकि अगर कृष्ण को लेके चलते तो सर्वाकर्षक सबको आकृष्ट होना चाहिए। अब आकृष्ट नहीं हो रहे हैं इसका मतलब हम लोग कृष्ण को लेके नहीं चल रहे हैं, कुछ और लेके चल रहे हैं। इसीलिए हम लोग को देखना चाहिए भगवान हमको प्रचार में तभी सफलता देंगे जितनी हमारी भक्ति प्रगाढ़ होगी। गुरु महाराज बोलते थे सेमिनार में कि कृष्ण आपको ब्रह्मा भी बना सकते हैं लेकिन आपके अंदर उतनी सेवा का भाव होना चाहिए कि ब्रह्मा जिस तरह सेवा कर रहे हैं उस तरह हम सेवा का भाव रखें। ऐसा नहीं है कि हम लोग को क्यों प्रचार में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है। इतनी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भाव में कमी है। जब हमारा भाव शुद्ध होगा भगवान हमको ब्रह्मा बना देंगे, एक पूरे ब्रह्मांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, जाओ आप इन जीवात्मा को उद्धार करो। लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं। हमको अपने अधिकार के हिसाब से भी काम करना चाहिए, ऐसे नहीं हम लोग को ब्रह्मा बनने का प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी महाराज बोलते हैं यथा अधिकार सेवा करना चाहिए, हमारे सक्षमता के अनुसार हमारे बल के हिसाब से हमको सेवा करना चाहिए। अलग अलग चिड़िया अलग अलग स्तर पे उड़ती हैं, कोई एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने की क्षमता रखती है, कोई एक देश से दूसरे देश में जाने की क्षमता रखती है, और कोई आंगन की चिड़िया होती है जस्ट आंगन में इधर उधर घूमती रहती है, वो भी आंगन की शोभा बढ़ाती है। तो ऐसे कोई भक्त होते हैं केवल मंदिर में रहते हैं, सेवा करते हैं, बहुत प्रचार नहीं करते लेकिन वो भी भक्ति है, वो भी भगवान को बहुत प्रिय है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से प्रार्थना करता है, प्रार्थना से ही हमको वास्तव में भक्ति बल मिलता है। ये प्रार्थना है बहुत जरूरी है। हम लोग जो करुणा की बात कर रहे हैं, हमारे सारे आचार्यों ने प्रार्थनाओं के बल पर करुणा दिखाई। हम कल अद्वैत आचार्य के बारे में बात कर रहे थे, अद्वैत आचार्य स्वयं भगवान होने के बाद भी प्रार्थना करते कि हे भगवान ये जीवात्मा को उद्धार कीजिए। जितना हम प्रार्थना करेंगे उतना हमारे प्रचार में हमको बल मिलेगा, जितना हम प्रार्थना करेंगे अपने ऊपर हम करुणा कर पाएंगे, दूसरों के ऊपर करुणा कर पाएंगे। दो तरह की प्रार्थना होती है, एक होती है वर्टिकल, हम और कृष्ण, उसमें हम गुरु के प्रति, मतलब वो गुरु परंपरा कृष्ण राधा रानी भगवान सब आ गए उसमें, मतलब हमारे लिए जो हम प्रार्थना करते, जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे आप सारे भौतिक इच्छाएं दूर कर दीजिए, तो वो श्लोक इस कैटेगरी में आएगा। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि मुझे माया से आप फ्री कर दीजिए जिससे मैं आपकी सेवा कर पाऊं, वर्टिकल प्रार्थना। एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रार्थना, जहां पर भक्त लोग अपने सह भक्तों के लिए या इस जीवात्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तो उन मूर्खों की चिंता है जो इस भौतिक संसार में खुश होने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भागवत की शुरुआत में ही पढ़ते हैं पहले अध्याय में कि कैसे शौनक आदि ऋषि कलयुग के लोगों के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करते 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 वो बोलते हैं हमारा तप तो हुआ नहीं, हम तप गए, हमारे हम पूरे तप गए लेकिन कुछ फल मिला नहीं। तो फिर वो सुत गोस्वामी की शरण लेते हैं और बोलते हैं कि आप हमको थोड़ा भगवत ज्ञान दीजिए, कैसे कलयुग के लोगों का उद्धार होगा, कैसे हम लोग जीवात्माओं को उनका परम धर्म दे पाएंगे। तो उस तरह जो उन्होंने प्रश्न पूछे उसके बाद भागवत शुरू हुई। उसी तरह प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं, जैसे ही वो अमेरिका में उतरे
बॉस्टन शहर में उन्होंने थोड़ा सा बाहर दृश्य देखा, चल के आए, वो कैप्टन के साथ गए थे, पूरा देख के आए, तो वो देख करके प्रभुपाद प्रभावित नहीं हुए। हम विदेश जाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, अपने डीपी पे लगाते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। प्रभुपाद जब विदेश गए, प्रभुपाद के अंदर करुणा आ गई उनको देख के, कह रहे ये लोग कितना सफर कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये सॉन्ग लिखा, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरे प्रति, उन्होंने ये गान लिखा कि कैसे ये उग्र स्थान में आप मुझे लेके आ गए हैं, यहाँ के लोग रजोगुण तमोगुण में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, ऐसे लोग आपकी वासुदेव कथा जो सतोगुण से भी ऊपर है इसको कैसे समझेंगे, तो आप कृपा करके ये मेरी वाणी में इस तरह बल दीजिए कि मैं आपका संदेश इन तक पहुंचा पाऊं। तो इस तरह भगवान भक्तों की प्रार्थनाओं की वजह से ही उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनको शक्ति देते हैं जिससे वो लोग आगे बढ़े। हम लोग रोज जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, वो भी तो प्रार्थना है। प्रभुपाद बोलते हैं कि वो उस तरह प्रार्थना है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, जिस तरह एक बच्चा खो जाता है अपनी माँ के लिए, वैसे जब रोना जो उस बच्चे का है उस तरह हमारा जप होता है। तो ये प्रभुपाद की अपेक्षा थी। एक बार एक ऐसे ही बच्चा एक छोटी सी गद्दी पे, 6 इंच की गद्दी होगी, उसके ऊपर सो रहा था छोटा सा बच्चा। अब वो नींद में लुढ़क लुढ़क के लुढ़क लुढ़क के नीचे जमीन पे गिर गया, उसको लगी नहीं, लेकिन एकदम नींद में से उठा तो डर गया। मम्मी किचन में काम कर रही थी, चीख चीख के रोने लगा। जैसे ही मम्मी ने आवाज सुनी वो आई, उसको गोदी में उठाया, उसको चुप कराया और एक फ्रिज में से निकाल के एक जेली दे दी खाने के लिए। वो जेली खा के बच्चा चुप हो गया, खेलने लगा। अब अगले दिन उसको जेली की फिर याद आई, उसने कह रहे कल तो जेली मिली थी, तो उसको तो मेथड मालूम है क्या करना है। तो दोबारा से वो लुढ़क लुढ़क के लुढ़क लुढ़क के अभी एक्टिंग करके गिर गया। अब रोना उसने शुरू किया, मम्मी आई नहीं रही, वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, मम्मी आई नहीं रही। अब मम्मी उसको चुपचाप ऐसे देख रही थी क्या हो रहा है। तो वो चप 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 करके किचन तक आया, बोलता है कल मैं गिरा, एक बार रोया, आप भाग के आई, मेरे को उठाया, चुप कराया, जेली दी, आज इतना वॉल्यूम पे लाउड स्पीकर पे रो रहा हूँ फिर भी नहीं आ रही हूँ, ऐसा क्यों। बोले कल तुम मेरे लिए रो रहे थे इसलिए मैं आई, आज तुम जेली के लिए रो रहे हो इसलिए मैं नहीं आई, जेली आएगी, अभी जेली को आना है तो जेली आएगी। तो उस तरह हमारी प्रार्थनाएं जितनी शुद्ध होंगी भगवान उतना हमको सामर्थ्य देंगे प्रचार करने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, षड गोस्वामी ने इतना सब पूरे संसार के लिए किया क्योंकि उनके अंदर वो करुणा थी, उन्होंने भक्ति जीवन को इतनी अच्छी तरीके से पालन किया कि वो दूसरों को उस तरह भक्ति दे पाए। पूरा जैसे शरीर में यदि हमको कोई रोग होता है, मान लीजिए हमारी उंगली में कोई तकलीफ है, तो पूरा शरीर उसको सही करने में लगता है, पूरे इम्यूनिटी सिस्टम उसको सही करने में लगता है, उसी तरीके से वैष्णव लोग पूरे संसार को अपना कुटुंब मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए अगर वो देखते हैं जीवात्मा कहीं पर भी तड़प रहे हैं, भगवान की भक्ति ना करने के कारण उनको इतनी कठिनाई आ रही है, तो उनको दर्द महसूस होता है और वो करुणा प्रचार के रूप में बाहर आती है। तो इसलिए हमारी प्रार्थनाएं, हमारी खुद की भक्ति बहुत बहुत जरूरी है हमारे प्रचार के लिए। जितना ज्यादा हम भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे, जितना ज्यादा हमारे भक्ति में हमारी प्रगाढ़ विश्वास होगा, उतना ही हम दूसरों को भक्ति दे पाएंगे। देखिए हम लोग क्लास देने के पहले हमेशा प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रेम से प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम क्लास अच्छे से दें, लेकिन क्लास देने के बाद कितनी बार प्रार्थना करते हैं, क्लास खत्म होने के बाद। हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं मंदिर में भागवतम क्लास जब होती है, पांचों ऑल्टर में प्रणाम करके जाते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं, सब वैष्णव को प्रणाम करते हैं, क्लास होने के बाद सबको प्रणाम थोड़ी करते हैं, फिर एक प्रणाम से होता है, हाँ चलो एक दंडवत तो कर दिया अभी हो गया। तो इस तरह का जो हमारा विश्वास भगवान के ऊपर डगमग करता है, हमारी प्रीचिंग भी इसलिए डगमग करती है। जब हमारा पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर होगा तो कभी भी हम गलत नहीं जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जो उदाहरण देते थे कि जब वर्ल्ड वॉर के समय बहुत सारी महिलाएं चर्च में जाके प्रार्थना करती थी कि हमारे पतियों की रक्षा करो, अब वो पति तो मर गए तो वो सब नास्तिक बन गए। तो प्रभुपाद जी बोलते थे क्या उन्होंने युद्ध शुरू करने के पहले भगवान से पूछा था कि युद्ध शुरू करें कि नहीं करें। तो जब पहले उनकी श्रद्धा नहीं थी तो तथागत श्रद्धा दिखाने से क्या फायदा है। तो उसी तरीके से हम लोगों का भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम लोग अगर उनकी भक्ति ठीक से करेंगे तो फिर हमारी भक्ति शक्ति के कारण हम प्रचार भी ठीक से कर पाएंगे। गजेंद्र बद्ध अवस्था में भगवान को प्रार्थना करते हैं, मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलाय, भगवान को बोलते हैं भगवान आप मुक्त हैं इसलिए आप दूसरों को मुक्त कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति मुक्त भी हो सकता है लेकिन आप मुक्त होने के साथ साथ भूरि करुणाय,
आपके अंदर करुणा भूरी भूरी रूप से भरी हुई है, इसलिए आप दूसरों के ऊपर करुणा करने के लिए सक्षम है। अच्छा, कोई मुक्त भी है उसके अंदर करुणा भी है, लेकिन आलसी है तो क्या होगा? गजेंद्र बोलता, नहीं आप आलसी नहीं, नमो वाला है, आपके अंदर आलस नहीं है, तो आप तुरंत करुणा करने के लिए रेडी रहते। तो इस तरह प्रार्थना है जब भक्त लोग भगवान से करते हैं, भगवान बिना टाइम लिए तुरंत आकर के उनकी मदद करते। देखिए, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जब अश्वत्थामा ने पांच ब्रह्मास्त्र छोड़े पांचों पांडव मारने के लिए, अब वो ब्रह्मास्त्र सामने आ रहे हैं, अर्जुन देख रहा है, लेकिन कुछ एक्शन लेने के पहले भगवान को प्रार्थना कर रहा है। हम में से कितने होंगे, हमारे सामने व्यक्ति खड़ा है, उसने गोली चला दी, गोली चल गई, अब हमको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए? अर्जुन के सामने ब्रह्मास्त्र छूट गया, ना उसने गांडीव को हाथ लगाया, ना कुछ किया, भगवान को प्रार्थना करे। और ऐसा भी नहीं कि भगवान क्या करना है जल्दी बताओ, ऐसा भी नहीं, बोल रहे आप सक्षम भगवान हैं, आप करुणा करते हैं, आपसे सब कुछ, इतना सब बोलने के लिए टाइम मिल रहा है उनको ब्रह्मास्त्र छूटने के बाद। तो इतना विश्वास भक्तों का भगवान के ऊपर होता है कि अगर हम भगवान की प्रगाढ़ रूप से सेवा करेंगे, हमारा कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता। सेम जब अश्वत्थामा ने छठा ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ में, सब खड़े हैं वहां पर, पांडव खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, सबको छोड़ करके कृष्ण के पास आ रही है। कृष्ण को वो जानती है कि कृष्ण ही सक्षम है हमारी सारी समस्याओं से हमको बाहर निकालने के लिए। तो इस तरीके का जो हमारे ऊपर हमारे अंदर विश्वास होगा भगवान के चरण में, हम अपनी भक्ति प्रगाढ़ता से करेंगे, तो भगवान हमको इतना सामर्थ्य देंगे कि हम लोग दूसरों का उत्थान ही, उत्थान तो बहुत दूर की बात है, दूसरों का कल्याण करने में हम लोग सामर्थ्य होंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे, वो बोलते थे कि हमको ये क्वेश्चन आंसर दो, वो क्वेश्चन आंसर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का टाइम बहुत खराब हो जाता था। तो एक बार ऐसे ही कोई विद्वान लोग आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती से क्वेश्चन पूछने के, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं मेरा माली है उससे प्रश्न पूछ लो। तो उनको बहुत बुरा लगा है, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। माली के पास जाकर उन्होंने प्रश्न पूछे, सारे उत्तर माली ने दे दिए। तो बाद में बड़े आश्चर्यचकित हो गए, जिसका माली इतना इंटेलिजेंट है वो व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको बाद में बताते हैं, वास्तव में ये साक्षात्कार आता है सेवा से। जितना अंदर भक्ति है उतना बाहर भक्ति दे सकते हैं, ये सिंपल लॉजिक है, जितना अंदर भक्ति है उतना ही बाहर भक्ति दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो जो निजी भक्ति जीवन है, जो निजी वैष्णव के प्रति हमारा सेवा भाव है, वो हमारे प्रचार की करुणा में हमको बहुत बहुत सहायता देगा। नारद का उदाहरण हम सुन रहे थे, भक्ति वेदांतों को इतना प्रेम से सेवा किए कि भक्ति वेदांतों ने नारद मुनि को वो ज्ञान दे दिया जो कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया था। चतुर्श्लोकी भागवत जो इतनी गुह्य गुह्य मतलब ज्ञान है, अभी तो हम प्रभुपाद की कृपा से घर घर में है, लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं था। भक्ति वेदांतों ने वो ज्ञान नारद मुनि को दे दी। तो उस तरीके का सर्विस मूड केवल हमारी भक्ति में दृढ़ता के कारण ही आता है। कई बार भक्ति में हम जो शुरुआत में बहुत उत्साह दिखाते, बहुत उत्साह, प्रचार, जिसको देखो उसको प्रचार, घर में प्रचार, स्कूल में प्रचार, जिधर प्रचार, वो वास्तव में कन्विक्शन नहीं होती, वो उत्साहमय होती है। विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर बोलते हैं वो इसलिए होती है कि क्योंकि हम महान है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो भी महान है। देवा ओ देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, क्योंकि हम बड़े हैं इसलिए हमारे भगवान बड़े हैं। तो वो उत्साहमय भक्ति होती है, वो वास्तव में भक्ति में विश्वास नहीं है, वो थोड़ा टाइम चलती है फिर उत्साह नीचे गिर जाता है। भक्ति में विश्वास तब आता है जब हम गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं। जितना हम अपने साधन भक्ति को प्रगाढ़ करेंगे, हमारा विश्वास प्रगाढ़ होगा, उतना हमारा प्रचार स्ट्रांग होगा। गुरु महाराज बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति आपको चैलेंज करता है तो आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए, उसको आप बोलिए तुम्हारे अंदर अगर ऐसा विश्वास है अपनी प्रोसेस के लिए तो तुम मुझे कन्विंस करो, और अगर मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि कृष्ण भावनामृत से भी अच्छी तुम्हारी प्रोसेस है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरे साथ चल के हरे कृष्ण करना पड़ेगा। तो उस तरह का विश्वास हमें भक्ति में होना चाहिए, क्योंकि जो भक्त भक्ति में खुश है वही प्रचारक बन सकता है। हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। जो भक्ति में खुश नहीं है, खुद के जीवन में ही उसको खुश नहीं है, दूसरों बोले आप भक्ति कीजिए आप बहुत खुश होंगे, खुद के जीवन में ही उसकी हालत खराब है, दूसरों को क्या प्रचार करेगा। तो पहले अपने ऊपर करुणा हमको दिखाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि गोष्ठानंदी वो अच्छा है जो भजनानंदी भी अच्छा हो, वो भजनानंदी जो प्रचार करता है वो गोष्ठानंदी अच्छा बन सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने भजन में, अपने भक्ति जीवन में, अपने गुरु के प्रति, अपने आध्यात्मिक जो शिक्षा गुरु हैं उनके प्रति बहुत बहुत तरीके से हमको फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए।
जितना फेथ हमको उनके ऊपर होगा वो हमको उस काबिल बनाएंगे कि हम प्रचार कर पाए। प्रभुपाद जी से एक बार श्री श्रीमद सुभाग महाराज ने पूछा था कि प्रभुपाद आप मुझे इतनी सेवाएं दे रहे हैं, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं इतनी सेवा कर पाऊंगा। प्रभुपाद बोलते हैं तुम्हारे ऊपर तुम्हें विश्वास रखने की जरूरत नहीं है, तुमको मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं? तो प्रभु बोलते महाराज हाँ मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो बोलते हाँ फिर करो, फिर जरूर तुम्हारा सफल होगा, तुम जो कुछ करोगे सब कुछ सफल होगा। तो हमको अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। ये जो आध्यात्मिक रास्ता हमको मिला है, जो आध्यात्मिक गुरु हमको मिले हैं, जो प्रभुपाद की शरण हमको मिली है, उसके ऊपर हमको विश्वास रखना है। और जब हम उस विश्वास के साथ अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करेंगे, वो वास्तविक करुणा हमारे ऊपर हम दिखाएंगे। और जब वो करुणा हम अपने ऊपर दिखाएंगे, वो करुणा हमारे प्रचार के रूप में स्वतः ही बाहर आए। भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करके फिर हम परोपकार के लिए सक्षम बनते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो मुझे दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत महत्वपूर्ण अलार्मिंग वार्निंग मतलब अपने जगाए रखने वाला विषय आपने लिया है, और ये बहुत आवश्यक सिद्धांत है कि भक्ति में प्रचार जैसे जैसे भक्ति की प्रगाढ़ता होगी, स्वयं करुणा जगती है और प्रचार की भावना बढ़ती है। और हम देख रहे हैं हमारे यहाँ कई भक्तों में बड़ी जबरदस्त करुणा और प्रचार करने की भावना है भी, और बड़े अच्छे साधना भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने आज जो बताया, उससे ये भी समझना बहुत आवश्यक हम लोगों के लिए रहता है हमेशा कि हम मात्र प्रचारक बनकर न रह जाएं। आज जो मायावादी प्रचारक हैं या बाहर बहुत से तथाकथित संस्थानों के प्रचारक हैं, वो बड़ी बड़ी संख्या के पीछे भागते हैं, बजाय उनका कैसे कल्याण हो या उनको क्या साधन दें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने आज चर्चा की है। हमारी साधना, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेवा, हमारा संग, ये सब संतुलित रहे इस प्रकार से। और ये बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए हमेशा समय समय से, जैसा कि गुरु महाराज कहते हैं कि दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, रिमाइंडर एंड रिपीटिशन। जो हम लोग सुन रहे हैं उनको अपने जीवन में चेक करें। जैसा आज आपने बताया कि बहुत आवश्यक है, हमको चेक करना चाहिए हमेशा मेरी कहाँ क्या कोई कमी रह रही है कि मेरे प्रचार में उतनी शक्ति नहीं आ रही है, या लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, प्रचारक नहीं बन रहे हैं। जब चेक करेंगे, क्योंकि इसमें प्रभुपाद का संदेश इस प्रकार से उन्होंने दिया है अपने ग्रंथों में भी और प्रवचनों में भी, और हम वरिष्ठ भक्तों से भी देखते हैं, इसका रिजल्ट आता ही है। आज भक्तिवश विशेष करके जो पैटर्न डेवलप किया परमपुर जयपिता का स्वामी महाराज ने और कौनते प्रभु ने उसको जो पूरा बताया, उसका रिजल्ट ही है कि साल भर में संख्या डबल होनी चाहिए और नए प्रचारक तैयार होने चाहिए। तो हम लोगों को ये चेक करना है कि हमको कहाँ क्या चीज के अंदर क्या परिवर्तन करना है, क्या सुधारा करना है। इस पर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से अपने उन अनर्थों को या अपनी उस कमी को दूर करके दूसरे की सहायता देके हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो है, और बहुत सुंदर इसमें योगदान करके अपना तो कल्याण करेंगे और उनका कल्याण करके उनको आगे बढ़ाने में। एक बार एक डिसाइपल ने जयपिता का स्वामी महाराज को कहा, सूरत गए थे उनका कोई काउंसलिंग के बारे में कि महाराज ये माता जी छह भक्तिवक चलाती हैं, छह दिन भक्तिवक चलाती हैं और इस प्रकार बहुत अच्छा प्रचार कर रही हैं। महाराज ने तुरंत पूछा कितने प्रचारक बने, कितने नए भक्ति सेल्स दूसरे लोगों ने प्रारंभ किए। मतलब महाराज ने उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया कि खुद ही छह कर रही हैं, अगर वो औरों को लगा के छह की जगह पांच भी करती हैं, आठ भी करती हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। इस प्रकार से हम जब देखते हैं कि भाई हमारी कहाँ कमी रह रही है, कई बार हम जब लाभ लेते हैं अपनी जैसे तो हम जिन्होंने प्रचार करके भक्त बनाए हैं, प्रचारक बनाए हैं, तो बहुत जल्दी विकास होता है उसका। तो बहुत सुंदर विषय आपने प्रतिपादन किया, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जो सब लोग सुन रहे हैं इसमें अधिकांश प्रचारक भी हैं और बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। इससे आज ये एक संदेश लेके, संकेत लेके, और इसको कैसे अपनी शक्ति को मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे गुरुमात कहते हैं कि उसको हमको मल्टीप्लाई, महाराज ने यहाँ पर सूरत वालों को उनको कहा है खासतौर से, डबल करने को नहीं कहा है, निवेदन भी है आज के संदेश के साथ जोड़ते हुए कि आप लोग विचार करिए। बहुत अच्छा परिश्रम आप कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, और भावना भी सबकी शुद्ध है। ऐसा भी नहीं है कि कोई उसमें कोई स्वार्थ चाहते हों, कहाँ क्या चीज की कमी रह रही है। मैं आप लोगों की सेवा के हमेशा उपस्थित हूँ, जिस प्रकार से हमारे गुरुओं ने किया और उसी प्रकार को हमने फॉलो किया यहाँ, और अनेकों प्रचारक बने हैं।
लगभग 40 प्रचारक मैं समझता हूँ कम से कम बने यहाँ पे इस संख्या में पिछले 10 वर्ष में जो है या 15 वर्ष में, तो आप लोग लाभ लीजिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, जो कुछ हमने सीखा है उसे शेयर करना चाहता हूँ, उसको बहुत क्वालिटी तरीके से लेते हुए एक दूसरे का लाभ लेते हुए हम गुरुमय प्रसन्नता के लिए सेवा को करें। और जो अच्छे कमेंट करिए आप, कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछे, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन पूछ लेते, पॉइंट जो अच्छे लगे हैं वो बाद में बोल सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पहले रेज हैंड वो कर ले। फिर जो जिनको जो पॉइंट अच्छा लगा वो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रभु जी दो प्रश्न था। पहला प्रश्न ये है, कि प्रभु जी जब हम हमें प्रचार की संबंधी सेवा मिलती है तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें प्रचार करना है, फॉर एग्जांपल हमें क्लास लेनी है या किसी से मिलने जाना है या किसी से फोन में बात करना है, तो वो जो समय देना पड़ता है वो हम शायद कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि साधना में हमें वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमारी रीडिंग या हियरिंग में हमें वो टाइम कॉम्प्रोमाइज करके वो पर्टिकुलर प्रचार कार्य करना पड़ता है। तो तब क्या करना चाहिए, तब क्या इम्पोर्टेंट, तब बहुत ही कंफ्यूजिंग आती है कि ये करें कि ये करें, क्या इम्पोर्टेंट है समझ में नहीं आता। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हम जिनको प्रचार कर रहे हैं, उदाहरण के लिए हमारी एक सीमा, एक लिमिट है साधना करने की, और अगर हम जिनको प्रचार कर रहे हैं वो हमसे अच्छी साधना करने लगते हैं, हमसे ज्यादा हियरिंग रीडिंग करने लगते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए उनको, मतलब ऐसा फीलिंग आती है कि शायद हम इनको अब ट्रेन नहीं कर सकते, अब इनको और कोई ये चाहिए मेंटर चाहिए या और कोई इनके शिक्षा गुरु होने चाहिए, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये दो प्रश्न मेरे थे। आपका जो पहला प्रश्न है वो बहुत स्वाभाविक है। एक्चुअली भक्ति जीवन में हर मोमेंट में बैलेंस करना पड़ता है, हर मोमेंट में, हर समय में, हर डेली में आपको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। इसलिए जिनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है वो लोग सुबह जल्दी उठ के अपनी साधना करते हैं। जैसे गुरु महाराज को हमने निजी रूप से देखा, सुबह जल्दी उठ के मंगला आरती के पहले जप करना, अपनी साधन करना, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना। हम लोग हो सकता है उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको प्रायोरिटी रखना है। प्रायोरिटी इज इम्पॉर्टेंट, कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अच्छा, कोई इम्बैलेंस उस तरह भी नहीं होना चाहिए कि साधना हमारी जो प्रचार की वजह से छूट रही है वो कौन सी साधना छूट रही है। क्या आप 4 घंटे प्रवचन सुनने के बाद 5वां घंटा जो आपका मिस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो भी हमको देखना है, वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा। ज्यादा खाएंगे और पचा नहीं पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जैसे एक बार जयपदक महाराज प्रभुपाद के रूम के सामने जप कर रहे थे और जोर जोर से जप कर रहे थे। महाराज बोलते हैं, महाराज खुद ही ये इंसिडेंट सुना रहे थे, बोलते हैं कि मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद मेरा जप सुन के खुश होंगे तो मैं जोर जोर से जप कर रहा था। और प्रभुपाद तो सुन के बाहर भी आए, प्रभुपाद उनको पूछे क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ बोला, प्रभुपाद जप कर रहा हूँ 64 माला। प्रभुपाद ने बोला, तुमको बोला मैंने 64 माला जप करनी, 16 माला जप करो और प्रचार करो। तो दोनों ही बैलेंस जरूरी है। ऐसा भी नहीं प्रचार के लिए साधना छोड़ना है, और ऐसा भी नहीं इतनी साधना कि हमारा प्रचार भी नहीं हो रहा। दोनों ही जरूरी है, तो बैलेंस हमको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो दूसरा प्रश्न है, उस तरह भावना हर भक्त के अंदर आती है। कोई भी भक्त ऐसा नहीं सोचता है कि जो दूसरा भक्त मैंने प्रचार किया है वो मेरे अंदर ही रहे, मैं ही उसको दबा के रखूं, मेरे अंदर ही रहे, ऐसा कोई नहीं सोचता है। हमेशा वो अपने वरिष्ठ भक्तों को उनको स्फूर्द करता है, हम उनको हमेशा हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं वो केवल हमारी सुनना चाहिए, वही कटोरे के अंदर उनको बंद करके नहीं रखना है। जैसे हम जब प्रचार करते हैं, बाद में मान लीजिए वो कोई गुरु का आश्रय लेंगे, बाद में किसी गुरु से दीक्षा लेंगे, तो क्या हमारे ऊपर जो उनका समर्पण है वो कम हो जाएगा? कभी भी कम नहीं होगा, उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ रही है। बाद में गुरु उनको बोलेंगे, मैं आपका ठीक गुरु नहीं हूँ, प्रभुपाद वास्तविक गुरु है, मैं तो आपको मदद कर रहा हूँ, वो भी ऐसा बोलेंगे। और प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में क्या बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं मैं भी भगवान के सेवक रूप से आपकी मदद कर रहा हूँ। प्रभुपाद जो बोलते हैं ना, गुरु मतलब इज ए सर्वेंट गॉड, ही इज ऑल्सो सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो हर स्तर पे हम जाएंगे तो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं ही आपकी अल्टीमेट अथॉरिटी। और जितना उनका शरणागति का स्तर बढ़ेगा, आपके ऊपर उनका विश्वास और बढ़ेगा।
लेकिन अगर आप उनको बांध के रखेंगे तो हो सकता है वो विश्वास उतना बढ़े ना। जितना सीनियर भक्तों से वो गाइडेंस लेते जाएंगे आपकी मदद के साथ, ऐसा भी नहीं आपको उनको छोड़ना है, आपकी मदद के साथ उतना फेथ आपके ऊपर उनका बढ़ता चला जाए, तो वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू प्रभु जी। गौरांग प्रिय प्रभु जी कुछ बोल रहे थे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, वैष्णव दंडवत प्रणाम। बड़ा शानदार आज का आज की क्लास कृष्ण कृष्ण प्रभु ने दी है, और मुझे दो तीन पॉइंट मैंने लिखे, पॉइंट तो बहुत सारे हैं लेकिन दो तीन पॉइंट बोलूंगा मैं। एक तो सबसे पहले भक्ति से ठाकुर की जो स्टोरी सुनाई है, कुएं में गिरने वाली, कुएं में गिरने के बाद रस्सी को पकड़ा दे आके तो मैं बाहर निकलूंगा। रस्सी भी आई पड़ी है लेकिन पकड़ने को तैयार नहीं है। फिर तीन सिद्धांत बताया आपने, बंदर वाला सिद्धांत, बिल्ली वाला सिद्धांत, तीसरा होल्ड एंड पुल वाला सिद्धांत। और एक भक्ति प्रेम महाराज भी हमेशा बोलते हैं, परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज बोलते हैं कि चाचा, आपने जो बताई बंगाली वाली कहावत, चाचा अपन प्राण बचा, पहले अपने प्राण बचाओ फिर दूसरे की चिंता करनी है। फिर आपने बताया कि जैसे फ्लाइट के अंदर भी कहते हैं पहले अपने को लगाओ दूसरे को बाद में हेल्प करनी है। और एक वो मैत्रेय मुनि वाला बड़ा अच्छा लगा आपका, जो मैत्रेय मुनि का जो आपने बताई कि विदुर जी को बता रहे हैं, वो विदुर जी उस स्टेज से गुजरे हैं, गुरु महाराज वाले स्टेज से गुजरे हैं, तो उनको समझ में आ रही है वो कथा, अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी समझ में आ रही है। तो सारे पॉइंट बड़े अच्छे हैं, पॉइंट और बहुत सारे हैं, मैं चाहता हूँ कुछ और लोग भी पॉइंट शेयर करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जो कोई बोलना चाहता है वो रेज हैंड कर सकता है। भक्त लोग ऐसा भी कर सकते हैं, किसी को लगता हो कि भाई जो चीज आज कृष्ण किशोर प्रभु ने कही है वो हम अब तक नहीं कर पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे या असमर्थ हो रहे थे, इससे प्रेरणा लेके हम उसको आगे करेंगे, ऐसा करने से वो चीज करने में उनको एक आशीर्वाद मिल जाएगा सभी लोगों का और सफलता से हम लोग कर पाएंगे, सभी राधेश्याम प्रभु कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर क्लास, जो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा, हालांकि गौरांग प्रिय प्रभु जी ने कहा भी कि यूजुअली ये सिद्धांत अब तक यहीं तक ही था कि वी हैव अ कैट अप्रोच और वी हैव अ मंकी अप्रोच, पर आपने उन दोनों को आज मिक्स कर दिया कि वी हैव अ पुल, होल्ड एंड पुल अप्रोच। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि वास्तव में हमें जरूरत है कि हम उसको होल्ड भी करें और कोई हमें पुल भी करे। अपनी शक्ति सिर्फ होल्ड करने में लगानी है, पुल तो हमें हमारे आचार्य कर लेंगे। बहुत सुंदर थी क्लास प्रभु जी। हालांकि कुछ प्रचार, जैसे आप कल कहेंगे भी प्रचार से संबंधित, तो मैं कल आपसे जानना चाहूंगी कि वास्तव में प्रचार हम किसको कहते हैं, व्हाट इज एक्चुअली प्रीचिंग, इज दैट ओनली स्पीकिंग थ्रू माइक इज प्रीचिंग, व्हाट इज एक्चुअली प्रीचिंग। क्योंकि कल का विषय है तो आप उसका जवाब कल भी दे सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्लास। सबसे ज्यादा करुणा की, मुझे लगता है मुझे इस समय सबसे ज्यादा करुणा की जरूरत है स्वयं पे करुणा करने की, बिकॉज I am very poor in balancing the things. My thread is very thin to balance the things. So beautiful class. Thank you so much. Hare Krishna Prabhuji, dhanyavad pranam. Yehi point mujhe bahut acha laga. Puri class bahut achhi thi. Lekin aapne jo bataya ki karuna iko ho raha hai. Aapne jo bataya करुणा के बारे में कि स्वयं पे करुणा, यानी कि अपने आप पे स्ट्रिक्ट होना है, हमें अपने लिए तो स्ट्रिक्ट रहना है और दूसरों के ऊपर करुणा मतलब दूसरों के लिए लीनियंट रहना है, तो हम उल्टा कर जाते हैं या फिर हम अपने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपने कमियों को नहीं सुधारते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्ण किशोर प्रभु जी, जैसे बहुत सुंदर तरीके से आपने सारी चीजें बताई, मुझे जैसे एक तो माता जी ने बताया कि सबसे पहले हमें अपने आप पर करुणा करनी चाहिए, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। और करुणा कैसे करनी चाहिए आपने वो भी बताया, हमारी साधना के माध्यम से, हमारा जब प्रभुपाद के प्रति समर्पण, गुरु महाराज के प्रति, भक्तों के प्रति, तो वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आपने एक पॉइंट और बहुत बढ़िया बताया कि कंपेशन का अर्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं है,
कि हम कंपैशन के नाम पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हमारी साधना में, हमारे स्वाध्याय में, हमारी सेवाओं में, तो वो सही नहीं है। और फिर तीसरा पॉइंट जो बहुत अच्छा लगा वो आपने बताया कि गोष्ठानंदी वही अच्छा है जो बहुत अच्छा भजनानंदी है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। पॉइंट तो मैंने भी और बहुत सारे लिखे, लेकिन जैसे राधाचरण प्रभु जी ने बोले कि कौन से विषय है जिसपे हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर हम उस पर ज्यादा फोकस करें, उसी के बारे में ज्यादा सोचे, तो हमें सुधार होने की पूरी पूरी चांस रहती है। तो मैं आप सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कृपा दे कि मैं इन चीजों से निकल पाऊँ। और जैसे आज प्रभु जी ने मैसेज किया, आज मधुर राधिका माता जी का बर्थडे है, तो हम सब लोग उनको विश कर सकते हैं अगर मधुर राधिका माता जी हैं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी की एक बात, बहुत बातें अच्छी हैं सबने बताई, मैंने एक पॉइंट पे इंसिडेंट करना चाहूंगा कि जब हम भक्त लोग आपस में मिलते हैं, हम भक्त लोग, हरे कृष्णा, बहुत से भक्तों ने अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं, मेरे को भी एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा है कि जब हम आपस में मिलते हैं तो हम क्या विषय पे चर्चा करते हैं, उससे हमारी चेतना का स्तर और हमारी चेतना कितनी शुद्ध है उसका पता लगता है। तो हमें अपनी चेतना सुधारनी है, और विशेषकर जब हम भक्तों के साथ मिलें तो हमें भगवत चर्चा करनी है, न कि हम प्रज्वलित करें, तो ऑटोमेटिकली हमारी चेतना सुधरेगी, ऐसा मैंने समझा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जो बोला कि हैप्पी डिवोटीज आर द बेस्ट प्रीचर्स, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में मेरा ये क्वेश्चन भी है कि जो हैप्पी डिवोटीज होते हैं उनके एक्चुअली क्या लक्षण हम देख सकते हैं कि एक्चुअली दे आर हैप्पी, और हम हैप्पी कैसे बन सकते हैं वास्तव में, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रचार करते करते कई बार हम बहुत सुपरफिशियली भी बिहेव करने लगते हैं। ऊपर से तो दिखाते हैं वी आर वेरी हैप्पी, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली बहुत ही नेचुरली हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं। एक्चुअली भागवत में बताया है, जितना हम लोग महत सेवा करेंगे उतना ज्यादा हमारे कृष्ण रुचि होगी, कृष्ण कथा के लिए रुचि होगी। सेकंड चैप्टर फर्स्ट कैंट, जितना ज्यादा कृष्ण रुचि होगी उतना हार्ट क्लीन होगा, जितना ज्यादा हार्ट क्लीन होगा उतना भक्ति में निष्ठा होगी, उतने ज्यादा हम प्रसिद्ध होती, उतने ज्यादा हम आनंदित होंगे। तो वो सब घूम फिर के बात आती है महत सेवा। तो भक्तों को हम जितना खुश कर पाएंगे, जितना उनके भक्ति में हम लोग जितने भक्त सेवा के लिए उत्सुक हो पाएंगे, उतना ज्यादा हम आनंदित होंगे, और जब हम आनंदित होंगे तो हम प्रचार अच्छे से कर पाएंगे। वास्तव में प्रचार भी अगर हम सेवा के रूप से करेंगे तो हम आनंदित रहेंगे। प्रचार भी हम कल्याण के रूप से ना करें, सेवा के रूप से करें, कि हम गुरु वैष्णव की सेवा के रूप से हम प्रचार कर रहे हैं। तो जब वो सेवा के रूप से हम प्रचार करेंगे तो वास्तविक में हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय से कृष्ण रुचि होती है, और फिर आनंद अपने आप आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे एक और सवाल, दो सवाल और पूछना है। प्रभु जी आपके कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में, कई लेक्चर में मैंने ये देखा, आप एक चीज बहुत बार बार दोहराते हैं कि हमें हमारे गुरु वैष्णव पे पूरा विश्वास होना चाहिए, और आपके आपको देख के भी जो मुझे एक फीलिंग आया कि आपको 100% विश्वास है और आप है, और आप जब बोल रहे हैं तो हमें ये फील होता है कि हमें भी तो कहने का मतलब ये है, जब आप ये कह रहे हैं बार बार तो मुझे अंदर से ये लग रहा है कि मुझे विश्वास है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना विश्वास नहीं है सुपरफिशियल लेवल पे। मैं चेक कैसे करूं, या कोई भी व्यक्ति चेक कैसे करे कि अगर आप कह रहे हैं कि विश्वास होना चाहिए होना चाहिए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें अभी पूर्ण विश्वास हुआ है कि नहीं? आपके व्यक्तित्व को देख के तो लगता है कि हाँ आपको पूरा विश्वास है, और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? और एक दूसरा प्रश्न वो भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपने जब कहा कि यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ एंड लीनियंट विद अदर्स, और फिर आपने उसमें उदाहरण दिया गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज डीलैंड में थे और कैसे वो अपने बहुत ही लोगों के लिए कंफर्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, अपने लिए टफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। तो अगर मैं इसको एक उदाहरण से आपको पूछूं इस प्रश्न का, को कि यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ का उदाहरण अगर मैं अपने जीवन में अगर देखूं,
कि अगर मुझे सुबह जल्दी उठना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, मुझे सुबह जल्दी उठना है 4 बजे 4:30 5 बजे, तो मुझे जल्दी सोना होगा, और मुझे जल्दी अगर सोना है तो मुझे सही टाइम पे इवनिंग प्रसाद लेना होगा 7 बजे 8 बजे। पर हमें कई बार क्या होता है कि प्रचार के लिए जाते हैं या किसी डिवोटी के घर जाते हैं और वो हमें इंसिस्ट करते हैं, या नॉट या फ्रेंड के घर जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो वो हमें बहुत इंसिस्ट करते हैं कि लीजिए लीजिए प्रसाद लीजिए, 9 बज गया 10 बज गया, ऐसे भी होता है। तो तब उस सिचुएशन में एक डिलेमा हो जाता है कि अगर मैं अपने आप से स्ट्रिक्ट रहूंगा तो शायद सामने वाले को बुरा लग जाएगा, और अगर मैं नहीं रहूंगा तो फिर मेरा अगले दिन की साधना बिगड़ जाएगी। तो उस समय एक बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाता है, क्या करूं, अभी इनको खुश करूं कि अपनी साधना को सेट करूं, क्या करूं। आपका जो पहला प्रश्न है विश्वास के ऊपर, फेथ के ऊपर, तो हम लोग खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हम गुरु वैष्णव के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी होप क्या है, और कोई होप है? अगर भौतिक संसार में जाएंगे तो भी विश्वास करना पड़ता है। सिंपल सिंपल एग्जांपल हम तो यूथ को प्रीचिंग करने में लगाते हैं, हम बोलते हैं कि आप नाई के पास जाते हैं, वो उस तरह को इस तरह आपके गर्दन पे रखता है, फिर भी हम उसके ऊपर फेथ रखते हैं कि वो काटेगा नहीं। हम हर फील्ड में फेथ रखते हैं, तो गुरु वैष्णव के ऊपर फेथ क्यों नहीं रखेंगे? अच्छा, उसका टेस्ट कैसे करेंगे? देखिए, पूरा विश्वास एकदम से नहीं आता है। जैसे हम किसी को रास्ता भी पूछते हैं तो वो रास्ता भी ऐसे ही बताएगा आपको, आप ऐसे जाइए, उधर से राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, वो अलग अलग चिन्ह बताएगा, यहाँ पर पेड़ आएगा, यहाँ पर मंदिर आएगा। तो जब हम आगे जाएंगे और वास्तविकता में पेड़ आएगा तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। उसी तरह जो गुरु वैष्णव हमको निर्देश देते हैं, हम जब पालन करना अल्प श्रद्धा से शुरू करते हैं, कोमल श्रद्धा से शुरू करते हैं, तो जब हमको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं हमारी श्रद्धा बढ़ती है। वो श्रद्धा का विकास निर्देश पालन से होता है। जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाते हैं हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है हम उतनी दृढ़ता से निर्देश का पालन कर पाते हैं। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन शुरुआत हमको श्रद्धा रख के करनी चाहिए। हमने कितनी चीजों पर श्रद्धा रखी, हम टूथपेस्ट पर श्रद्धा रखते हैं कि इससे हमारे दांत गलेंगे नहीं, फिर हम गुरु वैष्णव के ऊपर क्यों नहीं श्रद्धा रख सकते? तो ये छोटी श्रद्धा से हम शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे हम पालन करेंगे तो हमारा फेथ और बढ़ता जाएगा। आपने जो दूसरा उदाहरण दिया वो बहुत सही बात है, लेकिन उसमें हम देख सकते हैं कि अभी हम दूसरों के साइड ही स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। वहां पर भी हमारी अपेक्षा ये है कि हमारे नियम की वजह से दूसरे को जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। वास्तविकता में कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन यू आर अलोन। जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप क्या करते हैं, वो आपकी स्ट्रिक्टनेस है। अगर कंडीशन एक्सेप्शनल इज नॉट द रूल, डेली तो एक्सेप्शन होगा नहीं, लेकिन जब हमारी सिचुएशन उस तरह है, हमारे पास फैसिलिटी है, हमारा दिन हम शेड्यूल कर सकते हैं, तब हम कितनी स्ट्रिक्टनेस रखते हैं वो उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरों के लिए स्ट्रिक्टनेस हमारे नियम की वजह से नहीं होना चाहिए। मैं केवल गंगा जल पीता हूँ तो मैं जिसके घर में जाऊँगा उसको गंगा जल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये ठीक बात नहीं है। अगर हम अपना गंगा जल खुद लेके जाएंगे वो स्ट्रिक्टनेस है। तो उस तरीके से दूसरों को हमारी साधन भजन की वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने निर्देश दिया था कि तेज तेज जप करेंगे तो आपके अनर्थ कम हो जाएंगे, तो जयपदक हमारे मंदिर में बैठ के तेज तेज जप करते थे, तो बाकी भक्तों ने प्रभुपाद से कंप्लेन कर दी। तो प्रभुपाद ने बोला कि इस तरह जप करो, पार्क में जाके करो, दूसरों भक्तों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो निर्देश भी पालन होना चाहिए और दूसरों को हमारी वजह से कष्ट भी नहीं होना चाहिए। So that is strictness for us and leniency for others. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna, Prabhuji. मुझे भी एक प्रश्न पूछना था। विशाखा भैया माता जी ने जैसे पूछा happy devotees के बारे में, तो हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्य है वो बहुत ही हेल्पलेस मूड में प्रेयर्स लिखते हैं, और हम लोग को भी सबसे ज्यादा यही इंकरेज किया जाता है कि हम लोग को इस मटेरियल वर्ल्ड में खुश नहीं होना है, क्योंकि सब कुछ हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि मटेरियल वर्ल्ड कैन नॉट गिव अस हैप्पीनेस। हम कृष्ण भक्ति अभी भी बहुत सुपरफिशियल लेवल पे कर रहे हैं, तो जेन्युइन हैप्पीनेस जो आनंदम की बात करते हैं वो मटीरियल स्पिरिचुअल लेवल पे अभी फील होना काफी डिफिकल्ट लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल ब्लिस फील करना अभी हम लोग जो करंट साधना करंट सेवा कर रहे हैं उसके अंदर फील होना काफी डिफिकल्ट लगता है।
तो ऐसा लगता है कि अगर हम लोग हेल्पलेस मूड मेंटेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है कि हम लोग अपने आप हेल्पलेस हो. तो हेल्पलेस और हैप्पी हाउ कैन वी बी बोथ टुगेदर, दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं कि हम खुद भी हेल्पलेस हो बहुत ज्यादा ईगरली आचार्य को बुला रहे और हैप्पी भी हो साथ साथ में कि भाई हम लोग बहुत खुश हैं. तो ये थोड़ा सा पैराडॉक्स लगता है. हम लोग डेली सुबह मंगला आरती गाते हैं संसार दावा नल लीड लोका और डांस करते हैं. कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोलेगा मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में आग लग गई और डांस कर रहा है? कोई डांस नहीं कर सकता है. इसलिए हम लोग डेली गाते हैं संसार दावा नल लीड लोका और डांस करते हैं. हेल्पलेसनेस भी है, होप भी है, हैप्पीनेस है. किस बात की हैप्पीनेस है? वंदे गुरु श्री चरणारविंद, ही इज घना घनत्व. गुरु है, वैष्णव है, कृष्ण है. क्या कृष्ण चले गए हैं क्या अभी? कृष्ण नहीं है क्या अभी? डज गॉड एग्जिस्ट? ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है. तो क्योंकि हमारे कृष्ण हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं, उनकी कृपा का घना घनत्व हम क्लाउड रेडी है, इसलिए हम लोग डांस करते हैं. आग तो लगी हुई है लेकिन फायर ब्रिगेड आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, उसकी हमको खुशी है. तो उस बात के लिए हम लोग आनंदित होते हैं. तो हेल्पलेस कंडीशन इज देयर बट इट्स नॉट होपलेस कंडीशन, इट इज होपफुल कंडीशन. वी आर हेल्पलेस बट स्टिल वी आर होपफुल, देयरफॉर वी आर हैप्पी. So that is our mood. तो जो मूड हमको मेंटेन करना चाहिए बाकी प्रार्थना गाते हुए, जैसे हरी हरी विफले जन्म गवाई नू और ऐसी काफी प्रार्थना है, तो मूड हम लोग को तब मतलब मूड इज हैप्पीनेस वो जब वो प्रार्थना गा रही हूँ कि हम गुरु महाराज और बहुत वैष्णव को देखते हैं कि वो जब गाते थे तो एकदम इंटेंस होते थे. कि हम लोग ने कितनी सारी फोटोज देखी गुरु महाराज की जब वो एकदम हेल्पलेसली प्रे कर रहे गुरु कृष्णा को, तो वो मूड कैसे मेंटेन करें फिर, क्योंकि हम लोग जेन्युइनली अभी तो हेल्पलेस इतना ज्यादा फील नहीं करते क्योंकि फॉल्स ईगो बहुत ज्यादा है वे भी, बट वो मूड एक बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं अभी हम लोग जेन्युइन हेल्पलेस है, तो एक बार हो जाते कि नहीं हम लोग को कृष्णा को प्रे करना है, उसके साथ साथ में थोड़ा सा देखिए जब हम लोग इस तरह प्रार्थना करते हैं हरी हरी विफले जन्म गवाइनु, तो वो हमको डिप्रेशन लाने के लिए नहीं है. वास्तव में हम लोग अपनी सिचुएशन बता रहे हैं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर मैं इस तरह सिचुएशन महसूस कर रहा हूँ, मेरी ये बीमारी है, मैं इसकी वजह से सफर कर रहा हूँ. लेकिन हमें डॉक्टर के ऊपर इतना विश्वास है कोई भी वैष्णव गान डिप्रेशन में खत्म नहीं होगा. आप जो गान बोल रहे हैं वो भी लास्ट में खत्म होता है, हा हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुतो जता करुणा करो यही बार नरोत्तम दास को ये ना ठेकुलो रंग पाए तुम बिना के अच्छे अमार. कोई भी वैष्णव सॉन्ग डिप्रेशन में खत्म नहीं होगा, हमेशा होपफुल कंडीशन में खत्म होगा. और उसके बाद हमारे सब आचार्य गुरुमाए सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र गा के डांस भी करते थे. तो ये एक वैष्णव पद्धति है. हम लोग डिप्रेस होने के लिए नहीं अपनी कंडीशन बताते, हम डॉक्टर के सामने अपनी कंडीशन बता रहे हैं बीमारी की. और जब डॉक्टर हमको दवाई देगा तो हमको खुशी नहीं होगी कि हाँ अभी मुझे रेमेडी मिल गई, अभी मेरी बीमारी सही होगी, अब मैं दोबारा से स्वस्थ अवस्था में आऊंगा. तो वो होप के साथ हम लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, भगवान के पास जाते हैं, अपना दुख निवेदन करते हैं. लेकिन इसलिए नहीं कि हम डिप्रेस्ड हैं, हमारी कोई होप नहीं है, हम अपनी बीमारी बता रहे हैं इस अपेक्षा से कि वो हमको सॉल्यूशन देंगे. तो जब हमारी ये भावना के साथ हम अपने हेल्पलेसनेस बताते हैं तो वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट होती है. नहीं तो व्यक्ति को डिप्रेस ही हो जाएगा, हमारा जीवन सदा पापी रहता है इस तरह डेली सुनेगा, कोई भी डिप्रेशन में चला जाएगा. लेकिन वो जीवन भक्त लोग उस तरह नहीं है. हमारा जीवन सदा पापी रहता रखने वाले भक्ति विनोद ठाकुर ने कितना कुछ प्रचार किया, कितनी पुस्तकें लिखी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ट्रेन किया. तो उस तरह व्यक्ति का एंथुसियाज्म आता है, अपनी बीमारी बता के डॉक्टर की हेल्प लेके वो खुश हो जाते हैं और ज्यादा प्रगति भक्ति में करते हैं. इसलिए भक्ति में हेल्पलेसनेस इज होपफुलनेस, इट्स नॉट डिप्रेशन. थैंक यू सो मच प्रभु. थैंक यू. हरे कृष्णा प्रभु जी, नमन प्रणाम. बहुत ही सुंदर दो सेशन आपके हुए, कल भी बहुत अच्छा सेशन था. मैं हमेशा यही फील करता हूँ कि आपकी जो शरणागति है गुरु के बीच, गुरु के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, और वो शरणागति के कारण से जो भी चीज़ हम आपसे सुन पा रहे हैं वो डायरेक्ट हृदय में प्रवेश कर रही है. बातें तो हम सत्संग में रोज भगवतम क्लास में सुनते हैं, लेकिन जब आपसे सुन रहे हैं तो उसका प्रभाव और ज़्यादा गहरा फीलिंग होता है, क्योंकि आपकी भक्ति उस हिसाब से प्रगाढ़ भी है. आप आज के सत्संग में काफ़ी कुछ लोगों ने कहा, मुझे दो तीन बातें अच्छी लगी.
सभी अच्छी थी लेकिन कुछ बातें रिपीट नहीं हो, इसलिए मैं दो बात मुझे और अच्छी प्रेरणा दे रही थी मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा प्रभुपाद जी को कुछ भक्तों ने पूछा कि मैम क्लब में जाएं क्या प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जाओ जरूर लेकिन वापस आ जाना, रहना नहीं वहाँ पे। और राधाचंद प्रभु जी भी बोलते हैं कई बार कि अपने प्रचार को क्लब मत बनाओ, क्लब में मत फंसे रहो, बाहर निकलो करके, उसमें आसक्त मत रहो करके। हम लोग कई बार ऐसे प्रभु जी हमको शिक्षा देते रहते हैं इस प्रकार से। दूसरा, एक आपने बॉइलिंग द मिल्क वाला प्रभुपाद का कोटेशन बताया प्रभुपाद जी का, तो उसमें संख्या बढ़ाने पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, भले जितने लोग हैं उतने अच्छे आपस में मधुर संबंध हो, और पहले हम लोगों की अपनी साधना और उनकी साधना अच्छी हो, फिर हमको संख्या बढ़ाने पे प्रयास करना चाहिए। उससे पहले अपने आप को बॉलिंग में मिलकर, आपने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑलवेज सारे पॉइंट्स ही अच्छे थे तो मैंने कुछ रिपीट करने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच। अपनांगी माता जी, आप कुछ बोल रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जो ये बोला ना कि स्वयं पे करुणा करना का पॉइंट आपने बोला कि हमें अपनी कमियों को ढूंढना है और उस पर काम करना है, वो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि ये सबसे बड़ी कृपा स्वयं पे यही है। और दूसरा कि आपने जो बोला कि कृपा का महत्व हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उसको स्वीकार करने की हमारी इच्छा नहीं होगी, और हम तब तक हमारा दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर हमारी इच्छा ही नहीं होगी करुणा को स्वीकार करने की। और तीसरा, आपने जो बताया कि मायावादी भी संघर्ष करते हैं, मायावादी भी साधना करते हैं, लेकिन उनके सफलता तब नहीं मिलती क्योंकि भगवान जानते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं स्वयं के लिए कर रहे हैं, और हम भक्ति मार्ग में हम जो भी करते हैं जो भगवान की सेवा के लिए करते हैं, इसलिए हमको सक्सेस मिलती है। सारी क्लास प्रभु जी बहुत वंडरफुल थी। आप जब लास्ट में हरे कृष्णा बोलते हो तो मेरे को लगता है कि इतनी जल्दी क्लास खत्म होगी, शायद प्रभु जी ने टाइम से पहले हरे कृष्णा बोल दिया। जब टाइम देखते हैं तो टाइम ओवर हो चुका होता है, तो इसलिए आपकी क्लास कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता, लगता है कि और ज्यादा चलनी चाहिए। बहुत अच्छी क्लास दे रहे हो प्रभु जी, थैंक यू सो मच इसके लिए आपको। हरे कृष्णा। मधुर राधिका माता जी आ गई हैं, आज उनका बर्थडे भी है। पहले मधुर राधिका माता जी कुछ बोलना चाहती है तो बोलें, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए। मधुर राधिका, गिफ्ट लेनी है कि देनी है? बर्थडे पे पुराने जमाने में गिफ्ट देते थे, आजकल लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु सब वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी मैं हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। क्योंकि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, जीवन मिला और वो मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी मैं प्रभुपाद का मिशन हूँ, लेकिन मेरी बहुत बड़ी कमी है कि मैं अपने सीनियर्स के नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, और अपने आप को जो मेरे अंदर अवगुण है उनसे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो आप सभी वैष्णवों से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दें प्रभु जी कि मैं उन कमियों को दूर करूँ। जैसे आज कृष्ण किशोर प्रभु जी ने बोला कि हम पे अपनी हमें सबसे पहले अपने आप पे करुणा दिखानी है, तो प्रभु जी मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, आप लोग सब वैष्णव हैं, कि जो मुझे उस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन मैं ही कहीं ना कहीं से बंधी हूँ, अपने आप को उन कमियों से नहीं दूर कर पा रही हूँ। तो प्रभु जी प्लीज सब जन में मेरे पे कृपा कीजिए कि मैं आप लोग के इंस्ट्रक्शन फॉलो करूं और प्रभुपाद और गुरु महाराज के मिशन में अगर राय जितना भी कुछ कर पाऊं तो ये अपने आप पे एक बहुत बड़ी करुणा होगी। राधिका, यू आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट। मेरी भावना आपकी, आपके पूरे परिवार की, आपको जो प्राप्त हुई आपके टीचर से बहुत अच्छी प्राप्त हुई है। मतलब आपको यही करना है, यस प्लीज योर टीचर एंड योर लाइफ इज परफेक्ट एंड यू विल डू दैट। हरे कृष्ण, दिस इज अ स्पेशल प्रेयर एंड ब्लेसिंग फॉर द डे। थैंक यू सो मच।
ओके कंप्लीट करते हैं, सवानो हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैंने तो क्लास कल भी सुनी, आज भी सुनी, पॉइंट तो सारे सबने लगभग बोल दिए और बहुत अच्छे अच्छे थे। मुझे तो ये लगता है प्रभु जी कि गुरु पर और प्रभुपाद पर श्रद्धा कैसे करनी चाहिए, ये कोई आपसे सीखे, और श्रद्धा करने के बाद रिजल्ट क्या होता है, उसका जीवन क्या होता है, ये कोई आपको देखे। प्रभु जी बहुत ही प्रभु जी बहुत ही हृदय स्पर्शी क्लास आपका होता है, और इतनी कम उम्र में इतना वो करके, ये निश्चित ही गुरु महाराज की विशेष कृपा, प्रभुपाद की बहुत विशेष कृपा आपके ऊपर सामने दिखाई देती है, एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि आप क्या है प्रभु जी, और कैसे आप जो बोलते हो कैसे दिल में जाके उतर जाते हैं। बाकी और क्या बोलूं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली माता पिता को प्रभु ऐसे वैष्णव का दर्शन और संग ही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा, और तो क्या चाहिए हमको जीवन में। बिल्कुल सही प्रभु, बिल्कुल सही प्रभु, ये संग मिलता रहे पर जोगा सोगा देखा जाए, और क्या चिंता करनी है अभी हमको। सही प्रभु, सही। माता पिता को यही बच्चे की तोतली बोली अच्छी लगती है माता पिता। नहीं नहीं प्रभु जी, बेड़ा पार है, चिंता किस बात की है, जो भी कमियां है जब कमी तो रहने वाली है, ऐसे लोगों की कृपा से जीवन का उद्धार होगा, यही विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना भक्ति। नंद यशोदा भी माता पिता थे प्रभु जी, लेकिन वो जानते थे मेरा पुत्र भगवान है, और कुछ है वो, हरे कृष्णा प्रभु। ये हमारा बड़ा सौभाग्य और गर्व की बात है, हमारे इस्कॉन में इतने से जेम्स भरे पड़े हैं, ये हमारे बहुत ही गर्व की और बहुत ही आनंद की बात है, वो सौभाग्य की। ठीक है अभी कंप्लीट करते हैं इसको, यहाँ बहुत सुंदर, कल फिर सब लोग समय से आइए, थोड़ा लाभ लीजिए। आज लगभग 125 लोग मुझे लगता है सब मिला के सुन रहे थे क्लास को यहाँ पर फेसबुक पे, बहुत अच्छी बात है। वांछा कल्पत रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्री गोपाद की जय, कृष्ण केशव प्रभु की जय, वैष्णव संघ की जय, हरे कृष्ण।